भी गए थे, मैं भी गया था, और आपको कल जानकारी भी दी थी इस तरह से दिल्ली में बहुत बड़े पैमाने पर वोट डिलीशन का काम किया गया है, उसकी शिकायत भी करके आए हैं, उस पर जाँच की भी मांग की थी। तो कल वहाँ बातचीत के दौरान इलेक्शन कमीशन ने कहा, खुद जो चीफ इलेक्शन कमीशन साहब हैं उन्होंने हमें बताया कि 10 लाख वोट डिलीट किए गए हैं और 13 लाख जोड़े गए हैं दिल्ली में। उसके बाद जब हमने इसकी जानकारी बाहर मीडिया को भी दी तो शाम को पता चला कि सरप्राइजिंगली इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता ने प्रेस नोट जारी करके कहा कि नहीं, ये तो बात ही नहीं कही। पहली बात तो उस मीटिंग में सब लोग मौजूद थे, वहाँ कही फिर उनको बताना चाहिए कि कितने वो डिलीट किए हैं, 1 लाख नहीं है तो 9.5 लाख किए हैं, 8 लाख किए हैं, 12 लाख किए हैं, 14 लाख किए हैं, फिर संख्या क्या है और किस आधार पर डिलीट किए गए हैं ये वोट। जो मुख्यमंत्री जी ने कल बात कही थी वो बहुत अंडरलाइन करके मैं दोहराऊंगा और उसके कुछ डेटा रखूंगा। उन्होंने कहा था कि जानबूझ के वोट डिलीट कराए जा रहे हैं और छाट छाट के वोट डिलीट कराए जा रहे हैं, फर्जी तरीके से कोई रैंडम सर्वे दिखा के कि पीएलओ ने विजिट की, वोट डिलीट कर दिए जा रहे हैं और लिख दिया जा रहा है आदमी शिफ्ट हो गया वहाँ से। वजह उसकी साफ है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जान चुकी है कि वो चुनाव बुरी तरह से हारने वाली है, इसलिए अब वो दूसरी पार्टी के सपोर्टर्स के वोट छांट छांट के आइडिया लग जाता है फॉर्म टूटने से कि कहाँ किसको वोट ज़्यादा मिले, वहाँ से वो वोट डिलीट करा रही है, हार के डर से बौखला के वोट डिलीट करा रही है। मैंने अभी सारा डेटा देखा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, उन्होंने लिस्ट डाली है दिल्ली में जो वोट डिलीट किए गए। हमने कल उनसे रिक्वेस्ट किया था कि इसकी अपडेटेड लिस्ट डाल दीजिए, उन्होंने कहा हम इसकी अपडेटेड भी डाल देंगे, वो शायद जो उनके हिसाब से थी, अब वो फाइनल डेट तो वो बताएंगे, वो एकदम लेटेस्ट नहीं है लेकिन 2015 से अब तक की जितना डेटा डिलीट किया गया है। हमने उसको स्टडी किया कुछ विधानसभाओं का, क्योंकि मैं पटपड़गंज से विधायक हूँ, मैंने पटपड़गंज का स्टडी किया, 24,000 वोट डिलीट किए गए पटपड़गंज। कोंडली का हमने देखा 27,500 वोट डिलीट किए गए। विश्वासनगर में 14,000 वोट डिलीट किए गए। लक्ष्मीनगर में 22,000 वोट डिलीट किए गए। गांधीनगर में 13,000 वोट डिलीट किए गए। अभी क्योंकि एक एक पेज खोल के पूरा काउंट करना पड़ रहा है एक एक विधानसभा का, क्योंकि उन्होंने काउंट नहीं दिया पूरा। हमने उनसे कहा था आप हमें एक्सेल शीट पे दे दीजिए, उन्होंने कहा हम इसको नहीं दे सकते आपको। हमने कहा साहब पूरी लिस्ट एक्सेल शीट में आप सारी पार्टी को दे दीजिए, वो भी उन्होंने मना कर दिया। हमने कहा आप एक्सेल शीट में सारी लिस्ट कंसोलिडेटेड लिस्ट वेबसाइट पर डाल दीजिए, वो भी मना कर दिया। उन्होंने वेबसाइट पर हर विधानसभा की बूथ वाइज लिस्ट 25-25 के सेट में डाली हुई है। तो हमने ये 5-6 विधानसभाओं का कैलकुलेट किया निकाल के, पटपड़गंज में 24,100, कोंडली में 27,500, विश्वासनगर में 14,000, लक्ष्मीनगर में 22,000, गांधीनगर में 13,000 ये वोट डिलीट किए गए। अगर इसको एवरेज में थोड़ा लोअर एंड पे भी लगाऊं, 15,000 वोट हर विधानसभा से मान लीजिए अगर डिलीट किए गए हैं तो 70 विधानसभाओं में कुल मिला के 10.5 लाख वोट हो जाते, जो कि कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा था उससे टैली हो रहा है। हालांकि अभी हो सकता है और विधानसभा में कम हो ज़्यादा हो, लेकिन 20,000 का एवरेज भी हो सकता है। वो 20,000 का अगर एवरेज होगा तो 14 लाख वोट डिलीट किए, पर मान लीजिए 15,000 वोट एवरेज अगर हर विधानसभा में डिलीट किए गए तो 10.5 लाख वोट तो डिलीट हो गए ना। आपने ये वोट कैसे डिलीट किए? मैंने पटपड़गंज विधानसभा के कुछ बूथ का रैंडम उठा के डेटा अभी सुबह अपने कुछ वॉलंटियर्स को कहा कि आप एक बार देख लीजिए इस डेटा को, क्योंकि उसकी सॉर्टिंग करना भी इतना आसान नहीं था, पर क्योंकि बूथ का हमारा वॉलंटियर आसपास के लोगों को जानता है और अपने सपोर्टर को तो निश्चित रूप से जानता है, तो हमने कुछ अपने सपोर्टर को ऐसे दिया, पिछले एक घंटे में उन्होंने एक्सरसाइज करके दिए, वहीं एकदम लोकल उनको फ़ोन पे भेज दिया था इसका व्हाट्सएप। 3 बूथ पर मैंने कराया चेक, पटपड़गंज विधानसभा में 160 नंबर बूथ, 83 नंबर बूथ 83 और 18 नंबर बूथ, इस पर मैंने कराया। मैं आपके सामने ये शीट हम आपको दे देंगे। 160 नंबर बूथ पे पटपड़गंज में नूर मोहम्मद साहब रहते हैं। अच्छा सर, जकारिया खान रहते हैं, सन ऑफ नूर मोहम्मद। इनका एड्रेस है जवाहर मोहल्ले में
जो हमारी झुग्गियाँ हैं, स्लम्स हैं वहाँ पे, B372 ये आपको शीट दे देंगे पूरी, इनका वोट डिलीट किया गया, उस पर लिखा गया शिफ्टेड, जबकि अभी मेरे वॉलंटियर ने एक घंटे पहले उनके घर जाके चेक किया, वो वहीं रहते हैं। वो शिफ्टेड कैसे लिख दिया गया? इसी तरह से 8 नंबर बूथ पे स्वाति रहती हैं, इनके फादर हैं विलास मेहरा साहब, एकता गार्डन में, एकता गार्डन अपार्टमेंट है, उनका वोट डिलीट कर दिया गया। मैं एड्रेस नहीं बोल रहा हूँ जानबूझ के यहाँ, क्योंकि फीमेल का नाम है, आप लोगों को सीट दे देंगे, आप सेंसिटिव तरीके से इसको इन्फॉर्मेशन यूज कर सकते हैं। ये एकता गार्डन में रहती है, उनका वोट डिलीट कर दिया गया शिफ्टेड दिखा के, जबकि अभी मैंने पता करवाया वो वहाँ रहती हैं, लेकिन उनका वोट शिफ्टेड दिखा के डिलीट कर दिया गया। चंद्र विहार कॉलोनी है हमारे यहाँ, 83 बूथ नंबर पे 5 एड्रेसेस हैं, रामवर्धन सिंह रहते हैं, इनके फादर है जुगल सिंह, वहीं रहते हैं, शिफ्टेड दिखा के डिलीट कर दिया गया। 83 बूथ नंबर पे मोहम्मद नौशाद रहते हैं, सन ऑफ मोहम्मद मुश्ताक, उनका वोट डिलीट कर दिया गया शिफ्टेड दिखा के, जबकि वो वहीं रह रहे हैं, ये हमने वेरिफिकेशन करवा लिया है और मैं बड़ी अथॉरिटी के साथ बोल रहा हूँ। 83 बूथ नंबर पे पूजा गुप्ता वाइफ ऑफ गोपाल गुप्ता चंद्र विहार में ही रहती हैं, वो वहीं रह रही हैं, लेकिन उनका शिफ्टेड दिखा के वोट डिलीट कर दिया गया। इसी तरह से 83 बूथ नंबर पे धर्मेंद्र सन ऑफ श्रीनिवास राजपूत चंद्र विहार में ही रहते हैं, वहीं रहते हैं, लेकिन शिफ्टेड दिखा के वोट डिलीट कर दिया गया। सुनील कुमार सन ऑफ श्रीनिवास राजपूत, उनका वोट डिलीट कर दिया गया। इसी तरह से अलग एकता गार्डन में एक और है एफ शान गुप्ता सन ऑफ सुभाष गुप्ता, उनका वोट डिलीट कर दिया गया। धर्मेश कुमार सन ऑफ राजवीर सिंह ये वेस्ट विनोद नगर में रहते हैं, 35 नंबर बूथ पे वहीं रहते हैं, उनका वोट डिलीट कर दिया गया। ये तो बहुत रैंडम सा है कि हमारा वॉलंटियर ने अपनी लिस्ट देखी, उसने कहा इसको तो मैं जानता हूँ, उनका वेरिफिकेशन कर लिया उसने। ये आपको 9 लोगों की लिस्ट में दे रहा हूँ, 9 लोगों की लिस्ट में नाम लिखा हुआ है, आदमी वहीं रह रहा है, हिला नहीं है वहाँ से, लेकिन उसने शिफ्टेड दिखा के उनका वोट डिलीट कर दिया और जानबूझ के डिलीट किए गए। ये तो रैंडम सा एक घंटे की एक्सरसाइज का सर्वे है। सवाल ये है कि लोकतंत्र में चुनाव और वोटिंग राइट, वोट डालना किसी भी आदमी का फंडामेंटल राइट है। चुनाव आयोग के इस षड्यंत्र ने इन लोगों का फंडामेंटल राइट वायलेट किया है। क्या आप संवैधानिक अधिकार को, लोकतंत्र के मूल अधिकार को इस तरह से छीन सकते हैं क्योंकि बीजेपी को जितवाना है? चुनाव आयोग बीजेपी की बी टीम बन के रह गया है क्या? क्यों डिलीट किए जा रहे हैं ये नाम? क्या वजह है इनकी कि आदमी को शिफ्टेड दिखा के डिलीट किया जा रहा है जबकि वो आदमी वहीं रह रहा है? तो जाहिर सी बात है कि चुनाव आयोग, जिस मैंने पहले भी कहा था एक किसी में, इस चुनाव आयोग को TN शेषन जैसी शख्सियतें मुख्य चुनाव आयोग की कुर्सी पर बैठ चुकी हैं, उन्होंने वहाँ पहुँचाया है, पूरे देश में पूरी दुनिया में साख है इसकी, SY कुरैशी साहब जैसे लोग बैठ चुके हैं। इस चुनाव आयोग की साख को बीजेपी के लिए बीजेपी की बी टीम ना बनाए चुनाव आयोग साहब। अगर यहाँ गड़बड़ हुई है तो इसकी जाँच कराएं, जिन लोगों ने गड़बड़ किया उनके खिलाफ एक्शन लें, और जो चुनाव आयोग जिस काम के लिए बनाए, चुनाव आयोग का काम है कि भारत में रहने वाले हर नागरिक को, हर वोटर नागरिक को उसका वोट देने का अधिकार दिलवाना और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करना। फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तो बात बाद में करेंगे, आप तो वोट कटवा रहे हो, सबके वोट बनवाए जाए। वोट जो कटवाए गए हैं ये कैसे वोट डालेंगे लोग? फिर तो आपने डिसाइड कर दिया इनका फंडामेंटल राइट ही नहीं है। और हम जब आपके जाके कहते हैं, आप कहते हैं हम आपको लिस्ट नहीं देंगे। ये तो इतनी बड़ी एक्सरसाइज के बाद में सारा डेटा निकाला है 5-7, ये जो 24,000 वोट डिलीट किए हैं पटपड़गंज विधानसभा में, कोई तो रैंडम होगा, इसमें से 21,500 वोट पे लिखा हुआ है शिफ्टेड। ये शिफ्टेड का ये सच है। 24 कोंडली में 27,500, विश्वास नगर में 14,000, लक्ष्मी नगर में 22,000, गांधीनगर में 13,000। इन सब नागरिकों का फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, ना कि उनके चुनाव आयोग का ये काम नहीं है कि उस पर बीजेपी के कहने पर उस पर डाका डाले। तो मैं अर्ज करूंगा चुनाव आयोग से भी कि इसको सीरियसली ले, और जिन लोगों को शिफ्ट करके आपके नीचे के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने बीजेपी के चक्कर में ऐसे छांट छांट के जिनके वोट कटवाए हैं, उनके लिए चाहे आपको दोबारा मुहिम चलानी पड़े, उनके फंडामेंटल राइट्स सुनिश्चित करने के लिए जो भी एक्शन लेना है लें,
हम लोग भी इसकी और बहुत नेटिविटी में पूरा वेरिफिकेशन एक्सरसाइज कराएंगे, एक एक वोटर के पास में, एक एक उसके पास में, और आपके सामने ये रखना था।